तो रिकॉर्डिंग आज इन की क्लास में प्रोग्रेस। हम वी लुकअप से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट जो है अधूरा है, पूरा आपको करना होगा, राइट? ओके तो सबसे पहले हम अटेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? अटेंडेंस मेंटेन करना है, राइट? तो सबसे पहले हम अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाएंगे। याद हो शुरुआती क्लासेस में हम अटेंडेंस की फॉर्मेट बनाना सीखे थे। तो जी जी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैथ कैलकुलेशन, क्लिपबोर्ड, लुक, चलो कब प्रोटेक्शन, डेटा पिन, क्या इसमें? हाँ, दिखा सर ऑटो अटेंडेंस का फॉर्मेट। चलिए इसी को मूव एंड कॉपी करते हैं अलग फाइल। तो ये जो फॉर्मेट है, मैं यहां मान लीजिए कि मैंने सेलेक्ट किया नवंबर, तो ये पूरा नवंबर महीने का, या दिसंबर सेलेक्ट किया तो दिसंबर महीने का पूरा फॉर्मेट बन जाता है, राइट? अब बात आती है कि हम अटेंडेंस कैसे मेंटेन करें। तो हमने यहां एम्प्लॉई कोड डाला, ठीक है? और मान लीजिए कुछ नेम हम डालते हैं, और यहां पे हमने नेम भी डाल दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह होगा, एक बाद में देखते हैं। अब यहां पे हम कैसे फिल करें, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको एक सीट जनरेट करेंगे हम नया, जिसमें हम लीव होलीडे डालते हैं, पहले डालेंगे क्या होलीडे, और दूसरा सीट जनरेट करेंगे जिसमें हमारे पास लीव्स होंगे। तो होलीडे जैसे कि मैंने डाल दिया 1 जनवरी का होलीडे हो गया, 14 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गया, और 17 मार्च हो गया, और 5 दिसंबर, 6 नवंबर, 22 नवंबर, ऐसे हमने डेट डाल दी, राइट? तो सबसे क्या खुल गया, सबसे पहले ये हो गया हॉलीडे लिस्ट। दूसरा आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आईडी डालेंगे। नेम ऑटोमेटिक आएगा वी लुकअप से, इसको सेलेक्ट किया, ऑटो अटेंडेंस में जाते हैं और इसी को ले लेते हैं, कॉमा 2 कॉमा 0। तो जैसे 1 डालूंगा तो आईडी आ जाएगा, फिर यहां आएगा डेट, और यहां पे आएगा अटेंडेंस। तो मैं जो एंट्री करने वाला हूं सिर्फ अटेंडेंस नहीं, सिर्फ लीव एंट्री करूंगा, चीज ठीक है? जैसे हम दिसंबर की बात करें तो पूजा जो है वो 5 दिसंबर को छुट्टी पड़ती, ठीक है? और यहां पे फिर हम यहां पे 3 डाल दिए, इसी को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। कविता जो है वो 6 दिसंबर, आज जो है वो यहां पे, सॉरी लीव है ना, यहां पे लीव था और यहां पे लीव। ऐसे इसकी पूरी एंट्री हम कर देंगे नीचे तक ड्रैग करके, ठीक है सर? अब यहां ये एरर लगा देता हूं मैं यहां पे, या एक्स लुकअप यूज कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अब यहां हमने आईडी को और डेट को डैश से कंबाइन कर लिया, ठीक है सर? नीचे की तरफ अब आते हैं, यहां पे यहां लगाते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप हमने आईडी और डेट को यहां भी कंबाइन कर लिया, ठीक है?
और डेटा में गए, लिव वाले डेटा में, इसको सेलेक्ट किया, और ये हमारा क्या है, फाइव है, कॉमा फाइव कॉमा जीरो कर दिया, इनने आया। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगाया इफ एरर का, किसका, एक इफ एरर एरर का। का इफ एरर में बोला कि अगर एरर दे तो पी आर, पी आता है। ओके ठीक है, और नीचे तक ड्रैग करना है, तो उससे पहले हमें इसके जो रेफरेंस है उसको हम कर देते हैं फ्रीज। और हम विदाउट फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि हमारा पहले से लगा हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बाकी फॉर्मेटिंग किसी तरह का चेंज हो गया सर। अभी क्या, सैटरडे संडे को भी प्रेजेंट कर दिया, हमने कुछ ऐसा डाला ही नहीं क्या। तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ और लगाएंगे और का, और में हम ऊपर जो है सिलेक्ट करेंगे कि क्या ए इक्वल टू सैटरडे है, फिर कॉमा अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, बोले क्या इक्वल टू संडे है, अगर सर संडे है तो यहां पे वीक ऑफ देते हैं, अदरवाइज जो इफ चल रहा है उसको चल, ठीक है। अब इसको भी ड्रैग करना है तो हमें क्या करना होगा, फ्रीज। फ्रीज में हमने यहां फाइव को फ्रीज कर दिया, यहां भी फाइव को फ्रीज कर दिया, ठीक है सर। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, और यहां पे हमने डाल दिया फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, आ गया सर। अब यहां पे अब यहां पे जो छुट्टी है ना वो करना है, ठीक है। तो इसके आगे इफ लगाते हैं कि इफ, और लगाते हैं हम काउंट इफ, काउंट इफ हम जाते हैं एच में, और इसके अंदर जो डेट हमारा है कौन सा है, E6 डालते हैं, बोलते हैं इसका रिजल्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हुआ तो यहां पे आ जाए होली डे, अदरवाइज जो चल रहा है उसको चल, ठीक है। अब इसको आगे ड्रैग करना है तो क्या करना होगा, इसको फ्रीज करना होगा, E6 का 6 फ्रीज करना होगा। ये E6 कहाँ से आया? E6 ये रहा ना, ये आपका ओके 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 सेवन समझा। होगा ना, माफ कीजिए हम, हाँ E6 ये रहा, E6 E6 डेट ऊपर हमारा। वाला। हाँ डेट है E6। ओके अब इसको ड्रैग कर दिया, और यहां पे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, क्या क्या ऑलरेडी समझ रहे ना सर कैसे बोला। मैं समझ गया। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहां नवंबर लेता हूं तो यहां हॉलीडे आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए सर। क्या मैं फरवरी लेता हूं, फिर देख लीजिए 29, 30, 31, 3 दिन जो है ये HS दिखा देगा। दूसरा, आज डेट है 12 दिसंबर, 6 दिसंबर, ये 7 की अटेंडेंस बना रहा है क्या सर। अगर मैं दिसंबर से सेलेक्ट करूं पूरा महीने का अटेंडेंस बना रहा है, समझ गए। तीसरा, लीव में जाते से मान लीजिए 3 4 दिसंबर संडे था ना, तो लीव में
मान लीजिए कि जो 4 नंबर का है कविंदर, उसने हाँ 4 दिसंबर को एक्स्ट्रा वर्क किया था ईडब्ल्यू, बट यहां पे तो सो ही नहीं होगा, हो नो रहा है सर? मेन हो रहा नहीं है? और दूसरा, इसके काउंट्स कि कितने प्रेजेंट है, कितने पेबल ली, कितने लीव्स हैं, कि टोटल वर्किंग टोटल पेबल डेज कितना हुआ, ये कैलकुलेट करना है। तो ये चीजें आपको करनी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम अधूरा बनाएंगे, पूरा आपको करना है। ओके, कर लेंगे ना सर? कोशिश करूंगा प्रॉब्लम समझ में आ गया ना सर? मैं। बस समझ गया प्रॉब्लम, मगर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं उसको मंथली, जैसे नवंबर चल रहा है, नवंबर का दिखा रहा है और दिसंबर अभी आया ही नहीं है, सपोज करिए, तो उसको कैसे करेंगे क्या मतलब जो मंथ आया ही जो नहीं है आया अभी। ही नहीं है? हाँ तो टुडे का फॉर्मूला नहीं है आपका पास हाँ टुडे का, ठीक क्या? है ठीक है कुछ ठीक है ठीक ऐसा है, बस नया नहीं है जो आपको नहीं आता है? इसके ये उपयोग होने वो, वाले सारे चीजें मैंने आपको पढ़ाया और आपको आता भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ बस थोड़ा कोशिश। सा दिमाग लगाना है आपको, करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा पेचीदा चीज दे रहा हूं, हालांकि मुझे 10 मिनट लगेंगे इसको करने में, लेकिन मेरे 10 मिनट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वो आप करेंगे तो कितनी 10 चीजें नई नई 10 चीजें सीखेंगे। ठीक है।